और ये किसी और सूबे में नहीं हो रहा। मुझे ये बहुत खुशी है कहते हुए कि सिर्फ पंजाब के अंदर ना सिर्फ लोगों को किरायों में कमी का जो एक सहूलत है वो मुहैया की जाती है, बल्कि उसको मेक श्योर किया जाता है। और ये भी कैमरे की आंख ने भी और लोगों ने देखा कि जब उनके किराए दिए हुए उनको वापस दिए गए, उनको जो जायद किराया काटा गया था, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि जायद किराए वापस किए गए लोगों को। और लोगों की जो एक खुशगवार हैरत का आलम था कि ये भी हो सकता है कि किराए वापस मिल जाए। किराए ज्यादा तो हमेशा होते हैं, कम कभी किसी को वापस नहीं मिले। सो उसके लिए भी कल रात को नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ और किरायों के अंदर कमी का अनाउंसमेंट हुआ। पेट्रोल की कीमत में जो है वो कमी आपके नॉलेज में है और इंशाल्लाह ताला महंगाई के अंदर जो है वो बहुत सारी कमी देखने में आई है। बहुत 4 साल बाद जो है वो महंगाई सिंगल डिजिट जो है उसके ऊपर आई है और इंशाल्लाह ताला इसको हमें बहुत उस हद तक लेके जाना है जहां आम आदमी अपने बिजली के बिलों से लेकर अशियाए खुर्दोनोश तक जो है वो उसके अंदर जो है वो कंफर्टेबल हो। लोगों तक ये तमाम तर कमी के असरात जो हैं वो पहुंचाना चीफ मिनिस्टर साहिबा का हुक्म है और तमाम तर इंतजामिया जो है इस हवाले से अपना काम कर रही है। आप ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर इत्तिलात पंजाब असमा बुखारी फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए हैं, हर तरह के इंतजाम यकीनी बनाए गए हैं। मस्जिदों मेंबर की बहुत अहमियत है, अमन अमान को बरकरार रखने के लिए उलमा कराम का इंतहाई अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि महंगाई कम होकर सिंगल ने हमेशा बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। मेरे साथ वजीर बल्दियात जिशान रफीक साहब की भी ड्यूटी जो है वो पहले भी मुहर्रमुल हराम में भी हम दोनों बहन भाइयों को भेजा गया था, आज भी हम ईद मिलादुन नबी आपके साथ मिलकर जो है वो यहाँ मना रहे हैं। इस वक्त गहमा गहमी है पूरे मुल्क के अंदर, जो जुलूस है वो अपनी अपनी रूट्स के ऊपर रवा दवा है और इंशाल्लाह ताला अपने मुकर्रा वक्त के अंदर जो है वो इसके ऊपर जो है वो डिस्पर्स भी हो जाएंगे। आज चीफ मिनिस्टर साहिबा ने चूँकि पेट्रोल की कीमत में पिछले एक महीने में 18 रुपये तक की कमी हुई है और उसको जो है वो मेक श्योर कराने के लिए बाकायदा कल रात को नोटिफिकेशन किया गया है 30 रुपये से लेकर 70 रुपये तक जो किराए हैं उनकी कीमतों में कमी की गई है और ये किसी और सूबे में नहीं हो रहा। मुझे ये बहुत खुशी है कहते हुए कि सिर्फ पंजाब के अंदर ना सिर्फ लोगों को किरायों में कमी का जो एक सहूलत है वो मुहैया की जाती है, बल्कि उसको मेक श्योर किया जाता है। और ये भी कैमरे की आंख ने भी और लोगों ने देखा कि जब उनके किराए दिए हुए उनको वापस दिए गए, उनको जो जायद किराया काटा गया था, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ क्योंकि जायद किराए वापस किए गए लोगों को। और लोगों की जो एक खुशगवार हैरत का आलम था कि ये भी हो सकता है कि किराए वापस मिल जाए। किराए ज्यादा तो हमेशा होते हैं, कम कभी किसी को वापस नहीं मिले। सो उसके लिए भी कल रात को नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ और किरायों के अंदर कमी का अनाउंसमेंट हुआ। पेट्रोल की कीमत में जो है वो कमी आपके नॉलेज में है और इंशाल्लाह ताला महंगाई के अंदर जो है वो बहुत सारी कमी देखने में आई है। बहुत 4 साल बाद जो है वो महंगाई सिंगल डिजिट जो है उसके ऊपर आई है और इंशाल्लाह ताला इसको हमें बहुत उस हद तक लेके जाना है जहां आम आदमी अपने बिजली के बिलों से लेकर अशियाए खुर्दोनोश तक जो है वो उसके अंदर जो है वो कंफर्टेबल हो। लोगों तक ये तमाम तर कमी के असरात जो हैं वो पहुंचाना चीफ मिनिस्टर साहिबा का हुक्म है और तमाम तर इंतजामिया जो है इस हवाले से अपना काम कर रही है।